आप देख रहे हैं तेज खबर 24 और वक्त है खबरों का। खबर है रीवा शहर से, जहां रीवा शहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने महिला शराब तस्कर के अड्डे पर दबिश दी है। पुलिस ने महिला के अड्डे से 10 पेटी शराब बरामद की है। महिला ने घर को ही अवैध शराब की बिक्री का अड्डा बना रखा था, जहां उसने शराब की खेप को डंप किया था। पुलिस की माने तो महिला पर पूर्व से ही शराब तस्करी के 4 अपराध दर्ज हैं। बावजूद इसके महिला शराब की अवैध बिक्री का कारोबार संचालित कर रही थी। दरअसल यह कार्रवाई आज रीवा शहर की सिटी कोतवाली पुलिस ने की है। थाना प्रभारी आदित्य प्रताप सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि रतहरा स्थित RTO कार्यालय के समीप महिला द्वारा घर से शराब की अवैध बिक्री का कारोबार संचालित किया जा रहा था। अवैध कारोबार के संबंध में मुखबिर से प्राप्त हुई सूचना के बाद आज जब पुलिस ने महिला के घर में दबिश दी तो वहां 10 पेटी शराब रखी मिली। पुलिस के मुताबिक 10 पेटी में 90 लीटर शराब रखी थी, जिसकी अनुमानित कीमत 53,000 रुपए से अधिक है। मामले में पुलिस ने मौके से महिला मोनिका वर्मा को गिरफ्तार किया है, जिसके खिलाफ पूर्व से ही अवैध शराब की बिक्री के 4 अपराध हैं। जिसके बाद आज एक बार फिर गिरफ्तारी के बाद पुलिस ने महिला के विरुद्ध 34B आबकारी एक्ट के तहत प्रकरण दर्ज कर लिया है।